देश हमारा सबसे प्यारा, हम इसकी संतान है। लहू का हर एक बूंद निचोड़ो, हम सब में हिंदुस्तान है। तिरंगे के रंगों का अर्थ समझें, जरूरी है कि हम सब अपना कर्तव्य समझें। चलो इस गणतंत्र दिवस भेदभाव मिटा दें, पूरे विश्व को हम अपनी ताकत दिखा दें। 1950 में देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली, जब भारत को उसकी अपनी गणतंत्रता मिली। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाध्यापिका, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी, मैं पल्लवी पांडे, कक्षा 12 विज्ञान की छात्रा, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर किस वजह से एकत्र हुए हैं। आज के दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, दिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा है। आओ कि आया है, आओ कि आया है राष्ट्र पर्व गणतंत्र हमारा, आओ कि आया है राष्ट्र पर्व गणतंत्र हमारा, नमन माँ भारती तुझे दिया राष्ट्र पर्व प्यारा है। मैं आज के महान दिन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी 26 जनवरी अपने में समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ था। हम सभी जानते हैं कि रिपब्लिक व गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार देश के लोगों के ऊपर होता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ये दिन हमारी जिंदगी में दिलाया है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। इसी का नतीजा है कि हम आज इस गणतंत्र भारत में आराम से रह रहे हैं। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में अपने पूर्ण महान और विशाल देश को अधिकार दिलाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत शर्म की बात है कि आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें इन सभी समस्याओं को अपने भारत देश से निकाल फेंकना है, उसी प्रकार जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को निकाल फेंका था। हमें अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसी समस्याओं को अच्छी तरह समझना होगा और इनका निवारण भी निकालना होगा। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब, आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर। हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, नया समाज बनाएंगे। भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदानों को, भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदानों को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर, जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर नया समाज बनाएंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, एंड वेलकम ऑन द प्रॉस्पेरस मॉर्निंग ऑफ रिपब्लिक डे।
फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 26th ऑफ जनवरी। दिस ईयर इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 73rd रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द हिस्टोरिक मूवमेंट व्हेन आवर नेशन बिकेम एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्री। एज वी ऑल नो दैट इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947 एंड द कंट्री डिडंट हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। Instead, India was governed by the laws implemented by the British. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. Bhimrao Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution, which was adopted on 26 November 1949 and officially came into effect on 26 January 1950. Ever since independence, the main celebration of Republic Day has been held at the national capital New Delhi in the presence of the President, Prime Minister and other high-ranking officials of India. The Republic Day March is considered to be an eye-catching element in the festival and it showcases the cultural and social heritage. It also showcases the Indian defense capability. On this prestigious occasion, the heroes of our country, the soldiers, are not forgotten. Prestigious awards will be given away to the martyrs and the heroes who have dedicated their lives to protect the country at any cost. I want to end this speech by saying that India is a democratic country. The citizens living in democratic country enjoy the privilege to elect their leaders to lead the country.